एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम मिल्क शेक, क्योंकि गर्मी आ रही है और गर्मी में कुछ ना कुछ ठंडा पीने का मन करता है, इसलिए आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क शेक। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पर हमें बादाम ले लेना है, और हमें इलायची ले लेना है, कस्टर्ड पाउडर, मिल्क और एक बर्तन ले लेना है। हम स्टोव ऑन करके अपना दूध अपने बर्तन में डाल देंगे। हमने पहले से ही दूध को गाढ़ा करके रख लिया था। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, तब तक हम बादाम का पेस्ट बना लेंगे। हमें बादाम का छिलका हटा लेना है। ये हमने रात को भिगो के रखा था। हम 4-5 आवर्स रख सकते हैं, अगर हम तभी के तभी बना रहे हैं, या फिर पूरा रात भी रख सकते हो आप। तो इसका छिलका निकाल लेना है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। हम इसे अपने मिल्क में डाल लेंगे। अब हम इसमें शुगर डाल लेंगे। अब हम कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। हमने वेनिला फ्लेवर लिया, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हो। और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम दूध पे कस्टर्ड डाल लेंगे थोड़ा सा। हमें 2-3 बार डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना। दोबारा थोड़ा डाल लेना है, बीच बीच में मिक्स करते रहना है। हमें मीडियम फ्लेम में रख के करना है ये सब। उसके बाद हम इलायची पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बादाम मिल्क शेक रेडी हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना गाढ़ा हो गया अच्छे से। अगर आपका नहीं हुआ तो आपको थोड़ी देर और रखना पड़ेगा गैस में, और अगर आपका भी गाढ़ा हो गया तो हम इसे बंद कर लेंगे। अब हम इसे सर्व करते हैं। अपने मिल्क शेक को सर्व कर लेंगे। ठंडा पीना है तो आप ठंडा पी सकते हैं, या फिर आप गर्म पी सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो आप अगर आप ठंडा पियोगे तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपकी चॉइस है, आपको जैसे पीना पी सकते हो। हमारी मिल्क शेक रेडी, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप भी बना के देखना और कमेंट्स में बताना। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।